ठीक है। पिछले जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने सिर्फ कंटेंट के बारे में बात की थी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं अपने पास, ठीक है, और सिर्फ उसके चैप्टर वाइज टॉपिक बात की थी कौन कौन चैप्टर क्या क्या है, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं ब्रिक और ब्रिक मैसनरी के बारे में, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ब्रिक। ब्रिक क्या होता है? ए हार्ड ब्लॉक ऑफ बेक्ड क्ले डैट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज एसेट्रा। मतलब कि एक एक हार्ड मोटा ब्लॉक, एक तरह का जो ब्लॉक बना होता है चौकोरी शेप का एक ब्लॉक बना हुआ होता है, वो किसका बना होता है? हार्ड क्ले का, मतलब बेक क्ले का। मतलब क्या है, भुनी हुई क्ले होती है, जैसे वो चिकनी भी होती है ना, चिकनी मिट्टी टाइप होती है, मिट्टी वगैरह होती है, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी वगैरह होती है, चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। एक वो होता है ब्लॉक होता है, ठीक है, वो बना हुआ होता है, ठीक है, वो एक तरह की ब्रिक होती है, एक तरह से उसी उसी का बना हुआ होता है ये चीज़, और उसको अपन यूज़ करते हैं बिल्डिंग हाउसेज़ वगैरह में, घर वगैरह बनाने में बेसिकली। तो इसलिए बोलते हैं हार्ड ब्लॉक को बेक्ड क्ले डैट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या करती है ये, तो सिर्फ अपन ब्रिक की बात करते हैं, ब्रिक होती क्या है। अब इसके बारे में डिफाइन, एक तरह छोटा सा रफली डिफाइन कर देते हैं कि भाई ए ब्रिक इज़ बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक, मतलब कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, वॉल्स, दीवार में, पेमेंट बनाने में, एंड अदर एलिमेंट जैसे मैसनरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा एक बात करते हैं, मैसनरी होती क्या है, मैसनरी और मोर्टार में डिफरेंस क्या क्या है। देखो मैसनरी तो होता है अपने पास कि है ना, एक तरह से कंस्ट्रक्शन करना, कि अपने पास कि है ना, जैसे सीमेंट सैंड्स, ठीक है, सीमेंट सैंड का अपने पास, और जो वाटर है, इन तीनों कंटेंट का मिक्स करके जो अपना सिर्फ प्लास्टर वास्टर जो अपन करते हैं ना, इस तरह से जो भी अपन प्लास्टर वर्क करते हैं दीवार वगैरह का या जो भी है, वो होता है एक तरह से मैसनरी, ठीक है। और मोर्टार होता है इनका मिक्सचर, ठीक है, वो तो हो गया, वो मैसनरी तो हो गया प्लास्टर करना, ठीक, वो उसको कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन के रूप में देना उस चीज़ को, ठीक है, मैन मैन मेड होते हुए। और तो वो भी, और वो होता है एक तरह से क्या बोलते हैं, मोर्टार क्या होती है एक तरह से अपना इन सबका एक तरह से मिक्सचर, ठीक है, सीमेंट सैंड और वाटर का। अब टर्म की बात करें तो है ना, ब्रिक एक तरह से क्या होती है, कंपोस्ट यूनिट, कंपोस्ट ऑफ क्ले, मतलब क्ले की बनी होती है, एक तरह से उसी में वो उसी को रेफर करते हैं अपन, है ना, उसे उसी की रेफर होती है, ठीक है, किससे मिलकर, और इसका शेप कैसा होता है, तो रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप एंड मेड ऑफ यूज, ठीक है, क्ले बियरिंग सॉइल्स सैंड्स और लाइम और कंक्रीट मटेरियल, इनसे मिलके ये चीज़ बनी होती है, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स की बात करें अपने पास कि क्ले ब्रिक जब हम बनाते हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं, सिलिका, एलुमिना, लाइम, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ना अपना वाटर। तो इनकी बात करें कितनी कितनी मिली होती है, सिलिका तो अपना 50 से 60% होती है, मतलब टोटल है ना 100% का रेशो होता है अपने पास, लेकिन ना इसको किस किस मतलब किस किस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किसके अंदर यूज़ करते हैं, विभाजित किस किस अंदर किया जाता है, उस अकॉर्डिंग मतलब जैसे 100% को किस किस तरीके से है ना पूरा करते हैं, और कौन कौन से पार्ट जो कौन कौन सा जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये जो कौन कौन ये इंग्रेडिएंट्स है ना सबसे ज़्यादा किसके अंदर यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला तो है ना सिलिका, सिलिका सबसे ज़्यादा यूज़ होती है 50-60%, उसके बाद फिर एलुमिना 20 से 30% या 20-30%, फिर लाइम होती है, लेकिन है ना लाइम सिर्फ क्या है 5% ही ज़्यादा यूज़ नहीं होती, फेरिक ऑक्साइड 5 से 6%, मैग्नीशिया 1%, ग्रेटर ग्रेटर अपने पास क्या होती है लेस देन, ठीक है, 1%, 1% या 1% से कम, ठीक है, 1% होती है ना। और CO2, SO3 और H2O, ये वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है वेरी स्मॉल परसेंटेज में होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ तो अपने बेसिक हो गई, ठीक है, कि ब्रिक क्या हो गई अपने पास, और करते हैं अपने पास कैसे बनती है, कौन शेप में होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं अपने इसमें। अब बात करते हैं सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस के बारे में, जो डायरेक्ट सीधे सीधे अपने जो यूज़फुल्स एग्जाम जैसे SSC JEE हो गया, राजस्थान JEE हो गया, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में छोटे छोटे क्वेश्चन वगैरह हैं वो डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक।
तो इसमें क्या होता है कि जो अपन ब्रिक बनाते हैं, सबसे पहले जो भी ब्रिक बनाते हैं उसको मोल्ड में रखते हैं, जैसे एक तरह से उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है मोल्ड का, ठीक है। वो इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा है ना प्रकाशित हो रखा है, मतलब ठीक है उसकी जो साइज़ है ना वो चीज़। तो वो एक तरह से क्या है, साइज़ ऑफ मोडुलर ब्रिक होती है अपना 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपनी स्टैंडर्ड साइज़ भी होती है और है ना ये मॉडुलर ब्रिक भी होती है, ठीक है। और दूसरी अपने पास हो गई स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ मॉडुलर ब्रिक, मतलब इसलिए बोला है ये भी वही हो गई स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ मॉडुलर ब्रिक। देखो मतलब ये अपने पास क्या रफली, अपन जब भी किसी को बताते हैं या कुछ भी करते हैं ना कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, तो यही मानी जाएगी कि ना 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर की ही होती है, ठीक है। अब नॉमिनल साइज़ ऑफ ब्रिक की बात करें, मतलब कि इसमें क्या है कि मोर्टार ऐड हो गया, ठीक है ठीक है। मेटल से जैसे वो सीमेंट सैंड का वो मेटल होता है अपने पास, जब भी इसको दीवार और दीवार के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे ब्रिक को अपन जब वो मेसनरी वॉल बनाते हैं अपने पास, ठीक है, तो एक प्लास्टर का प्लास्टर होता है ना अपने पास, जो ब्रिक जैसे ब्रिक अपन जब लगाते हैं सेट करते हैं कहीं जगह दीवार पर जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो ब्रिक के बाद फिर वो जैसे एक के ऊपर एक दीवार खड़ी, वो ईंट के ऊपर एक, के ऊपर एक ईंट खड़ी करते हैं जब अपन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इंक्लूडिंग ऑफ किसकी, मोर्टार जो प्लास्टर करते हैं सीमेंट सैंड का, है ना। तो वो चीज़ हो गई अपने पास नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक इंक्लूडिंग प्लास्टर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये होती है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, तो ट्रेडिशनल रूप से जब बस बनाते हैं इनका, मतलब कोई यूनिफॉर्म साइज़ नहीं होता, बस नॉर्मली बन रही होती है इस तरह से, वो चीज़ होती है। तो वो चीज़ होता है 9 इंच की होती है, 4.5 और 3 इंच की होती है। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज़ अबाउट, अब यूनिट वेट की बात करते हैं। अब एक और बात करते हैं कि साइज़ ऑफ कन्वेंशनल ब्रिक, साइज ऑफ कन्वेंशनल ब्रिक होती है कि बस है ना भट्टी से उठाई और वहाँ पे जाकर रख दी, ठीक है। जैसे भट्टी में बनाई अपने पास, जैसे अपने जो भी कोई इसी कोई भी शेप नहीं होती, यूनिफॉर्म कोई शेप नहीं होती, बस इसको बना देते हैं अपने पास, ठीक है। ये होती है कन्वेंशनल ब्रिक, ठीक है। इसकी होती है 23 सेंटीमीटर × 12 11.4 सेंटीमीटर × 7.6 सेंटीमीटर, ये होती है। अब बात करते हैं यूनिट वेट की, कि इनका वेट कितना होता है, 19 × 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ये होता है। तो अपना 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, ये सीधे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनमें से कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, ठीक है। तो सब कंफ्यूज नहीं होना, साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक या साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक एक ही होती है। नॉमिनल साइज अगर बात करना या फिर विद प्लास्टर के साथ बात करें अपने पास, ठीक है, या फिर विद मेसनरी के साथ बात करें अपने पास, तो बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ट्रेडिशनल ब्रिक साइज़ वगैरह, ब्रिक्स वगैरह ये कभी यूज़ इतना पूछते नहीं क्वेश्चन वगैरह इसके बारे में। यूनिट वेट भी इम्पोर्टेंट है और ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं अपने पास फर्स्ट क्लास ब्रिक की है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक तरह से क्लासिफिकेशन है कि है ना फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ये सब आ जाता है ना क्लासिफिकेशन ब्रिक्स के अंदर, कि मतलब कितना क्लासिफिकेशन क्या क्या है ब्रिक का। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक आती है, सेकंड क्लास ब्रिक आती है, थर्ड क्लास आती है और फोर्थ क्लास ब्रिक आती है, ठीक है, ये आती है अपने पास। तो सीधी सीधी से बात है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो कितनी होती है, ऑप्शन ए 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी 90 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, सी 100 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी हो गई अपने पास सीधी सीधी सी कि 100 100 होती है अपने इसकी, ठीक है, 100 100 होती है अपने इसकी। अगर अपन अगले की बात करते हैं कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी, इसकी होती है अपने पास मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और सेकंड क्लास ब्रिक की हो गई अपने पास अपने इतनी होती है 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका ये आंसर है इसका, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्ज इन, अगर अब ये तो हो गई, अब क्या पड़ता है जब अपन फर्स्ट क्लास ब्रिक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इमर्ज वाटर या कोल्ड वाटर जो होता है 24 आवर्स के अंदर आते हैं, तो क्या है इसमें जो वाटर होता है ना एब्जॉर्ब नहीं होता बाय वेट मोर देन, कितना होता है अपने पास, ऑप्शन सी 20%।
अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि सेकंड क्लास ब्रिक इमर्जेंट वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट बी एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, इसका होता है 22%, या है ना, मतलब इसका होता है कि बेसिकली 22 से लेके 24% के बीच में होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन देता है अपने 22 से 24 के बीच में, तो और अगर जैसे अपने पास क्वेश्चन दे दिया, यही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और ऑप्शन दे दिए 10%, 15%, 20%, 22% भी दे रखे हैं, और दे रखा है डी 22 to 24%, तो वो ज़्यादा सही होगा, 22 to 24%, ये तो उस पर टिक करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अपन आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, अपन आगे की क्लासिफिकेशन क्या क्या, क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास भी, इसके बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और डीप जाएंगे अपने पास कि इसका ब्रिक का कंस्ट्रक्शन, ब्रिक किस तरह से बनती है अपने पास, वो चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।